हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जैक्ट कॉर्नर। सो टुडे वी आर मेकिंग, क्या कहते हैं मामा, चने की दाल की बर्फी। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल की बर्फी। चने की दाल ली एक कप, उसको हमने वॉश करके बॉईल कर लिया है। अब हम उसे पीसने जा रहे हैं। पीसने के बाद आप उसे इस फॉर्म में ले आइएगा, इस तरह। इतना ही पीसना है, ज़्यादा लिक्विड नहीं बनाना है। फ्राई पैन हमने रख लिया, उसमें आधा कप हमने घी डाल दिया। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप वनस्पति भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने इसमें ग्रीन इलायची का पाउडर डाल दिया। अब इसमें मैंने ये चने की दाल डाल दी और उसे अच्छे से मैश कर लिया है। फेस्टिवल आ रहे हैं, घर में आप बनाएं और बच्चों को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ईजी और घर में आसानी से बन जाती है। अब हमें इसे अच्छे से मैश करते रहना चाहिए, खूब अच्छे से, क्योंकि गुठलियाँ ना पड़े इसके अंदर, थोड़ा टाइम लगता है। तो उसे अच्छे से मैश करती रहिएगा, फिर वो इस फॉर्म में आ जाएगा। थोड़ी देर बाद इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म में आने के बाद फिर इसको थोड़ा ड्राई कर देना है हमें, जैसे इस फॉर्म में आ जाए वो। अब हम इस फॉर्म में आ जाएगा तो वो सूखा सूखा ड्राई ड्राई हो जाएगा। अब इसमें हम एक कप चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लीजिएगा, चीनी रह ना जाए। ये मैंने केसर मेरे पास था, मैंने डाल दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा। चीनी को अच्छे से आप मिलाते जाइएगा, हाथ मत रोकिएगा, इसे अच्छे से मिलाना चीनी ज़रूर है। अब हम इसमें एक कप दूध डाल देंगे। अब जल्दी से इसको हिला लेंगे फटाफट, ताकि वो नीचे से लगे ना। अब ये एक वन टीस्पून मेरे पास तिल रखे थे मेरे, तो मैंने डाल दिए। अगर आपके पास बच्चों को जो आपको पसंद है आप वो डाल दीजिएगा। हरी इलायची डाल दी और थोड़े से बादाम क्रश करके डाल दिए। अब इसको अच्छे से मिलाते रहिएगा। अच्छा, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब देखिए इस फॉर्म में आ चुका है, ये रेडी हो चुका है, पूरा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हमें ट्रे निकालना है, उसमें घी लगाना है ताकि वो ये चिपके ना। अब हमें इसे गर्म, बहुत था, बहुत ध्यान रखिएगा। अब हमें किसी के स्पून के हेल्प से सब में स्प्रेड कर देना है, अच्छे से इसको लगा कर देना है ताकि वो अच्छे जल्दी से। और इसे ये काम जब भी होता है गर्म गर्म में, ठंडे में आप करेंगे तो फिर ये नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। अब हमें इसे जल्दी से सबको चारों तरफ से इक्वल कर देना है ताकि ऊपर नीचे ना रहे, तो ये रेडी हो गया। अब इसमें मेरे पास बादाम और डाल दिया, आपके पास जो बच्चों को पसंद है आप वो डाल दीजिए, काजू किशमिश जो अभी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। अब इसे कट कर लीजिएगा, थोड़ी देर बाद कट करिएगा, एकदम मत करिएगा, 10-5 मिनट से वेट करने दीजिएगा, फिर आप कट करिएगा। अब ये रेडी हो चुका है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।